सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। खबर शामिल करते हैं लंदन से। बरतानिया की तारीखी मस्जिद शाहजहाँ के हेड इमाम और मजहबी स्कॉलर हाफिज़ मोहम्मद सईद हाशमी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने 299 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया और आज एक सफ़ेद फाम नौजवान ने उनके हाथ पर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल किया और ये तादाद 300 हो गई। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद सईद हाशमी ने कहा कि दियारे गैर में रहते हुए आपका रवैया आपके मज़हब की अकासी करता है। उन्होंने कहा कि एक पुरमसरत मुकाम है और वो समझते हैं कि हमारा इखलाक और रवैया अगर रसूल पाक के इखलाक के मुताबिक हो तो ये गैर मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी कभी उनकी गैर मुस्लिमों के साथ बातचीत होती है तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि उन्होंने इस्लाम को जितना पढ़ा है उनके आसपास के मुसलमानों में वो किरदार नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर इस माशरे में रहते हुए गैर मुस्लिमों को भी हर मामले में शामिल रखें और उनके दुख सुख में शरीक हों तो कोई वजह नहीं कि लोग दायरा इस्लाम में ना आना चाहें, क्योंकि इस्लाम प्यार मोहब्बत और अखलाकियात का दर्स देता है और इसी वजह से लोग जोग दर जोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। वाज़े रहे कि हाफिज़ सईद हाशमी, जिनका तल्लक खालसा कलर सईदा से है, वो शाहजहाँ मस्जिद वोकिंग के सबसे बड़े तवील मुद्दत इमाम हैं।